हमारे चैनल पे आओगे और चैनल का जब भी होम पेज खोलोगे, फ़ोन पे खोलो, किसी पे खोलो, अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा बेसिक हिंदी कोर्सेस, ठीक है ना। मोबाइल का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, प्रोग्रामिंग का कोर्स जो हमने अभी डाला है, इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है, ज़्यादा लंबा नहीं, इसी का समझ लो इंट्रो वीडियो है ये, ठीक है। मोबाइल कोर्स जिसको कुछ नहीं आता, मोबाइल कोर्स में एकदम ज़ीरो है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें से स्टार्ट किया है, इसको करेंगे। सिमिलरली जिसको कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, एकदम ज़ीरो बेसिक लेवल, उनके लिए हिंदी में बनाया बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स। हाँ, हमने ये हिंदी भाषा वाली, हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए मेन किया है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कोर्स उनके लिए है जिनके पास कंप्यूटर की नॉलेज ज़्यादा नहीं है, बीटेक की डिग्री नहीं है, सीएस की डिग्री नहीं है, कोई बी सी ए तीस, मतलब इट डजेंट मैटर। अच्छा, हिंदी में बोलना है ना, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है ना। ये वाला जो कोर्स रहेगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या पढ़े हो, 8 क्लास के बच्चे हो, 8 क्लास वाले छोटे बच्चे हो, 6 क्लास के छोटे बच्चे हो, या 80-90 क्लास के बूढ़े हो, है ना, जिसको कुछ नहीं आता है ना। थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर वाला कोर्स आपको कर लेना है, कंप्लीट नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, कर दूंगा एक टाइम पर, है ना। बेसिक कंप्यूटर वाला चीज़ें सीख लेनी है, उसके बाद प्रोग्रामिंग के लिए ये वीडियो ऐसे शुरू होगा, ठीक है ना। जिनको अंग्रेजी आती है उनके लिए भरपूर कंटेंट भरा है यूट्यूब पे, उनको टेंशन नहीं है, ठीक है। और उसी तरह जो सीएस या आईटी वगैरह में है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको कोई कमी नहीं है कंटेंट के, यूट्यूब है, इधर उधर से डाउनलोड कर लेते हैं, कोर्सेज वगैरह है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो ये उनके लिए नहीं, ये है बेसिक कोर्स, इसीलिए वर्ड लिखा है बेसिक, ठीक है ना, एकदम बेसिक कोर्स। और यही रीज़न है कि तुम देखोगे कि अपन मोस्टली पाइथन पे स्टिक करेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं पाइथन अच्छा है खराब है, बट ये मतलब वैसा लैंग्वेज है ना जिसमें अगर मैं बात करूंगा ना तो तुम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट का है नहीं हो, आई मीन वो साइंटिस्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करता, मान लो बायो साइंटिस्ट क्यों हो, है ना, बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हो, तुमको डीएनए वगैरह का प्रोग्रामिंग उसमें बहुत कॉमन होता है, डीएनए स्ट्रिंग निकालना, ठीक है ना, वो सब चीज़ करना है। तुम मैकेनिक क्यों ना हो, तुमको ऑप्टिमम पाथ वगैरह निकालना है, हमको नहीं पता है, बहुत 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 चीज़ें सोच कर सकते हो भाई तुम कंप्यूटर से, बहुत सारे प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हो, छोटा आर्डुइनो बोर्ड वगैरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, रास्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, पहले छोटे मोटे माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या फिर बेसिकली अपना वेबसाइट वगैरह एक्सट्रैक्ट ना, बहुत चीज़ कर सकते हो। सो ये कंप्यूटर की डिग्री जिनके पास है ना, एंड नॉट नेसेसरली फॉर दोज पीपल, उनके लिए नहीं है, उनके लिए समझ लो, उनको हम टारगेट नहीं कर रहे, अपन टारगेट कर रहे हैं हम बोलचाल भाषा में नॉर्मल लोग, जिनको देखना है कि क्या क्या कर किया जा सकता है प्रोग्रामिंग से, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था इनिशियल वीडियो, आप उसके बाद आगे वीडियो उसमें डालेंगे, और जल्दी ही मिलते हैं और वीडियो में, चल।